भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। ऐसे में आधी आबादी की आर्थिक हिस्सेदारी बिना ये संभव नहीं हो सकता। देश के विकास में महिलाओं के योगदान को बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना की शुरुआत की। बीते सालों में अब तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है, जबकि पिछले 2 महीनों में ही 11 लाख नई लखपति दीदियां बनाई गई। हमें 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है, यानी 3 करोड़ ऐसी बहनें और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती है, जिनकी 1 साल की कमाई 1 लाख रुपए से अधिक होगी। बीते 10 वर्षों में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी और बीते 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में 11 लाख और लखपति दीदी उसमें जुड़ गई, नई बन गई। महाराष्ट्र के जलगांव में 25 अगस्त को लखपति दीदी सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि लखपति दीदी बनाने का यह अभियान महिलाओं की कमाई बढ़ाने के साथ पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को सशक्त कर रहा है। लखपति दीदी बनाने का ये अभियान सिर्फ बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान है, इतना नहीं है, ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है। ये गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रही है। यहां इस मैदान में मौजूद हर बहन बेटी अच्छी तरह जानती है कि जब वो कमाने लगती है तो कैसे उसका अधिकार बढ़ जाता है, घर परिवार में उसका सम्मान बढ़ जाता है। जब किसी बहन की कमाई बढ़ती है तो परिवार के पास खर्चने के लिए पैसे भी ज्यादा जुड़ते हैं, यानी एक बहन का भी लखपति दीदी बनना पूरे परिवार का भाग्य बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को सम्मानित किया और उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि सखी मंडलियों और महिला स्वयं सहायता समूहों को पहले महत्व नहीं मिला था, जबकि आज वे भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति बनने की राह पर हैं। आज आप हर तरफ सुनते हैं कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है। इसमें हमारी बहनों बेटियों की भूमिका बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ साल पहले तक यह स्थिति नहीं थी। मेरे देश की माताओं बहनों बेटियों की हर मुश्किल को कम करके ही रहूंगा, इसलिए मोदी सरकार ने एक के बाद एक महिला हित में निर्णय लिए। मैं आज चुनौती देता हूं पहले की सरकारों के 7 दशक एक तरफ रख लीजिए, एक तराजू में एक तरफ 7 दशक और दूसरे तराजू में मोदी सरकार के 10 साल तराजू में रख लिए जाए, कितना काम मोदी सरकार ने देश की बहनों बेटियों के लिए किया है वो आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने 2,500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड जारी किया,
जिसमें 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा। उन्होंने 5000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण भी वितरित किए, जिसमें 2.35 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि धनराशि का ये कोष कई महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए प्रेरित करेगा। पहले जब मैं सखी मंडलों की बात करता था, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करता था, तो बहुत कम लोग थे जो ये देख पाते थे कि इसका महत्व क्या है। आज देखिए, ये भारत के अर्थतंत्र की एक बहुत बड़ी शक्ति बनती जा रही है। गांव गांव में, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में सखी मंडलों से जो परिवर्तन आ रहे हैं वो सबके सामने है। 10 साल में ये आंकड़ा भी बहुत बड़ा है। 10 साल में 10 करोड़ बहनें इस अभियान से जुड़ चुकी हैं और हमने इनको भी बैंकों से जोड़ा है। हमने उन्हें बैंकों से आसान और सस्ता ऋण दिया है। सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदियों का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में स्वयं सहायता समूहों के लिए 25,000 करोड़ रुपए से कम के बैंक ऋण स्वीकृत किए गए थे, जबकि आज ये धनराशि पिछले 10 वर्षों में बढ़कर 9 लाख करोड़ रुपए हो गई। सरकार की ओर से दी जाने वाली प्रत्यक्ष सहायता को भी लगभग 30 गुना बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार देश के नागरिकों के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाती है। अलग अलग लोगों की जरूरत के हिसाब से सरकार ये योजनाएं लेकर आती है। पिछले कुछ सालों से महिला सशक्तिकरण को केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है। यही वजह है कि सरकार महिलाओं के लिए स्कीम लेकर आती है। लखपति दीदी योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी हुई एक योजना है। केंद्र सरकार ने पिछले साल 2023 में महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना शुरू की थी। इस योजना का मकसद महिलाओं को व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ावा देना है, उन्हें अपने दम पर उद्योग खड़ा करने के लिए आर्थिक सहायता देना है। सरकार इस योजना के जरिए महिलाओं को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का लोन देती है। योजना के जरिए महिलाओं की इनकम बढ़ाने में सहायता मुहैया कराई जाती है। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए बढ़ावा दिया जाता है, उन्हें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद खुद का व्यवसाय खड़ा करने के लिए बिना ब्याज के 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी योजना से जोड़ना है। लखपति दीदी योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं के लिए कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होता है। योजना में जो सबसे जरूरी शर्त है वो है, कोई भी महिला अगर इस योजना के तहत आवेदन करती है तो उसके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी करने वाला सदस्य ना हो। अगर ऐसा होता है तो फिर इस तरह की महिलाओं को योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही योजना के तहत सिर्फ वही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जिनके परिवार की सालाना इनकम 3 लाख रुपए या उससे कम हो। 3 लाख रुपए से ज्यादा सालाना इनकम वाली महिलाएं योजना का लाभ नहीं उठा सकती। लखपति दीदी योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं को एक स्वयं सहायता ग्रुप के तहत बिजनेस प्लान बनाना होता है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी किसी भी पात्र महिला कैंडिडेट के लिए इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह बिजनेस प्लान तैयार करता है, साथ ही आवेदन को भी तैयार करने में मदद करेगा। आवेदन तैयार हो जाने के बाद स्वयं सहायता समूह आपके आवेदन को आगे सरकार के पास भेजेगा। सरकार के अधिकारी एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं, उसके बाद अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो योजना का लाभ मुहैया कराया जाता है।
जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। जैसा कि इस योजना के नाम से पता चल रहा है कि योजना महिलाओं के लिए है, भारत के किसी भी राज्य की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसके लिए आपको अपने राज्य में किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ने की आवश्यकता होगी। इस योजना के लिए किसी भी प्रकार की आयु सीमा नहीं है। योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स में शामिल हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी। लखपति दीदी योजना गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सशक्तिकरण के मिशन के तौर पर लॉन्च की गई थी। इसके तहत प्रशिक्षित महिलाओं की प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमाई का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन योजना की सफलता को देखते हुए सरकार ने इसे 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। लखपति दीदी, eighty three lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker sir, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakhpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakhpati Didi from 2 crores to 3 crores. Lakhpati Didi scheme ki ghoshna Pradhan Mantri ne apne Swatantrata Divas ke bhashan ke dauran ki. इस योजना के तहत देश भर के गांवों में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना था। आज 10 करोड़ महिलाएं विमेन सेल्फ हेल्प में जुड़ी हुई है, और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आप गांव में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेगी, आपको आंगनवाड़ी वाली दीदी मिलेगी, आपको दवाई देने वाली दीदी मिलेगी, और अब मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी। और इसके लिए एक नया अभिगम भेजा, साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे गांव की महिलाओं का भी सामर्थ्य देखता हूं मैं, और इसलिए हम एक नई योजना सोच रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयरिंग की हम ट्रेनिंग देंगे, और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी, और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे, प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। लखपति दीदी, ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना का एक आउटपुट है। DAY NRLM के तहत 30 जून 2024 तक 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को 90,86,000 स्वयं सहायता समूहों में शामिल किया गया है। इन HSG सदस्यों में से 1 करोड़ से अधिक SHG सदस्यों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है, यानी वे लखपति दीदी हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारत सरकार ने DAY NRLM के लिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजटीय परिव्यय का प्रस्ताव किया। इससे स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की आजीविका बढ़ाने में सुविधा होगी। ये न केवल स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को भी सुविधाजनक बना रहा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की विभिन्न उप योजनाओं के तहत SHD सदस्यों को प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए की न्यूनतम आय की सुविधा प्रदान करने के लिए संभावित लखपति दीदियों की पहचान की गई है। उन्हें आजीविका व्यवसाय योजना तैयार करने, संपत्ति, कौशल, वित्त प्रौद्योगिकी, बाजार जैसी चीजों के लिए मदद की जा रही है। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से SHD सदस्यों और समूह उद्यम का समर्थन करने के लिए एक समर्पित महिला उद्यम त्वरण कोष की स्थापना की गई। अन्य मंत्रालयों जैसे कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया जा रहा है ताकि उनकी योजनाओं का लाभ स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा उठाया जा सके। DAY NRLM विभिन्न चरणों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऋण और माइक्रो फाइनेंसिंग सुविधाओं तक पहुंच प्रदान कर रहा है। SHG को एक कोष बनाने में मदद करने के लिए रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश फंड के रूप में धनराशि प्रदान की जाती है, जिससे SHG सदस्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण हासिल कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूहों को रियायती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक लिंकेज की भी सुविधा प्रदान की जाती है। 2013-14 से SHG को 9,000,000 रुपए से अधिक के बैंक ऋण तक पहुंचाने में सहायता की गई। महिला SHG को ऋण प्रदान करने के लिए मास्टर सर्कुलर हर साल RBI और NABARD की ओर से जारी किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को लेखांकन, रिकॉर्ड कीपिंग, बजटिंग और ऋण प्रबंधन आदि पर प्रशिक्षण के माध्यम से वित्तीय साक्षरता कौशल भी प्रदान किया जा रहा है। DAY NRLM कार्यक्रम के तहत एक उपयोजना स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम जो SHG और उनके परिवार के सदस्यों को गैर कृषि क्षेत्र में छोटे उद्यम स्थापित करने, उद्यम संवर्धन के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्ति के माध्यम से प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करके एक इकोसिस्टम बनाने में सहायता और सुविधा प्रदान करती है। सामुदायिक उद्यम निधि के माध्यम से इसे फंडिंग दी जाती है और ब्लॉक संसाधन केंद्र नामक एक ही छत के नीचे डोमेन और व्यवसाय से संबंधित परामर्श प्रदान करने का काम किया जाता है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।